मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, है ना, व्हाट्स इन अ नेम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा पंडित भानजी एन इंग्लिश एक्टर हैज वॉन एन ऑस्कर, ग्रैमी एंड 2 गोल्डन ग्लोब्स बेस्ट ऑन फॉर हिज रोल इन इन एंड एज गांधी इज बेटर नॉन एज। देखिए, कृष्णा पंडित भानजी जो है एक इंग्लिश एक्टर है जिन्होंने क्या एक ऑस्कर अवार्ड, एक ग्रैमी अवार्ड और 2 गोल्डन ग्लोब जीता था, है ना, अपने बेस्ट गांधी एज ए गांधी के रोल के लिए, है ना। तो उनको इज बेटर नॉन एज, वो किस नाम अच्छे से जाने जाते हैं, तो उनका नाम है बेन किंग्सले। बेन किंग्सले जो है, ये इन्होंने क्या किया था, एक ऑस्कर अवार्ड, एक ग्रैमी अवार्ड और 2 गोल्डन ग्लोब जीता, है ना, है ना, गांधी के रोल के लिए, है ना, ये जो बेन किंग्सले के नाम से जाने जाते हैं। उसके आगे आते हैं, मुमताज जहान दलवी वाज एन आइकॉनिक एक्ट्रेस हु डोमिनेटेड द फिल्म इंडस्ट्री इन 1950s एंड 60s। हु नो हर एज। देखिए, मुमताज जहान दलवी जो है एक आइकॉनिक एक्ट्रेस थी जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 1950s और 1960s में बहुत नाम कमाया था, है ना। तो वी नो हर एज, है ना, वो किस नाम से जाना जाता है, मधुबाला। किस से जाना जाता है, मधुबाला, हु इज नोन एज हर, हु इज नोन हर एज मधुबाला, मधुबाला के नाम से जानते हैं हम। अ ह्यूज सुपरस्टार ऑफ द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एक बहुत साउथ इंडियन इंडस्ट्री, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड इज नोन एज शिवाजी राव गायकवाड जो है वो किसके नाम से जाने जाते हैं, रजनीकांत। किस नाम से जाने जाते हैं, रजनीकांत के नाम से जाने जाते हैं, जो साउथ इंडियन सुपरस्टार है ना, शिवाजी राव गायकवाड, उसका नाम क्या है, किस नाम, रजनीकांत के नाम से वो जाने जाते हैं। उसके आगे आते हैं, नॉर्मन जीन बीकर इज अमंग द मोस्ट वेल नोन फिल्म स्टार ऑफ ऑल टाइम। नॉर्मन जीन बीकर जो है ना, सभी में सबसे वेल नोन, बहुत ज़्यादा अच्छे से जाने माने फिल्म स्टार है ना, सभी ऑल टाइम के। सी बिकम फेमस इन 1950s एंड अर्ली 1960s एज, जो 1950s और 1960s की शुरुआत में फेमस हुए थे, है ना, उनका नाम है मर्लिन मनोरे। क्या नाम उनका, मर्लिन मनोरे। उसके आगे आते हैं हम, नेम द फ्रीडम फाइटर एंड पोएट नॉन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना, फ्रीडम फाइटर और पोएट नॉन पोएट है जो नाइटिंगेल के नाम से जाने जाते हैं इंडिया के, उनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके आगे आते हैं, सक्सेसफुल डब टेनिस टीम ऑफ लंडन बेस्ड एंड महेश भूपति वाज निकनेम। देखिए, बहुत अच्छा सक्सेसफुल और डबल टेनिस टीम में जो थे लिंडन पीस और महेश भूपति, इन दोनों का निकनेम क्या था, इंडियन एक्सप्रेस। उनका निकनेम क्या था, इंडियन एक्सप्रेस नाम था उनका, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे डबल टेनिस टीम में, है ना। उसके आगे आते हैं, नूर जहाँ वाइफ ऑफ मुगल एम्पीरियर जहांगीर वाज बॉर्न एज। नूर जहाँ जो है, जो मुगल एम्पीरियर की वाइफ थी, मुगल एम्पीरियर जहांगीर की वाइफ थी, है ना, मुगल के शहंशाह जहांगीर, है ना, मुगल एम्पीरियर जहांगीर की वाइफ थी, वो उनका जन्म कहाँ हुआ था, है ना, वाज बॉर्न एज, सॉरी, वो किस कैसे जन्म ली थी, वाज बॉर्न एज महेर उन निशा, है ना, महेर उन निशा के नाम से जन्म ली थी। उसके बाद वो नाम उनका नूर जहाँ पड़ गया। नरेंद्रनाथ दत्ता इज बेटर नॉन एज, नरेंद्रनाथ दत्ता जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं, स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। नरेंद्रनाथ दत्ता जो है स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। उसके आगे आते हैं, मैच बाय राइटिंग द करेक्ट नंबर इन दिस कॉलम, इन द इसको आप क्या करोगे, इसको अच्छे से आप खुद से फील कर लोगे, है ना, सेकेंड नंबर जो है। ठीक है, उसके आगे आते हैं, चैप्टर 5 डिसिप्लिन, आपका नेक्स्ट चैप्टर है डिसिप्लिन। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या बोलते हैं, पैलियोनोथोलॉजी बोलते हैं, है ना, पैलियोनोथोलॉजी। किसको स्टडी ऑफ फॉसिल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
टैली और एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद आते हैं हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ हर्पेटोलॉजी जो है किस इसके अध्ययन को बोला जाता है, आपका आंसर होगा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। गैस्ट्रोनॉमी इज स्टडी ऑफ, देखो गैस्ट्रोनॉमी जो है वो किसके अध्ययन को बोला जाता है, फूड के अध्ययन को बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स है ना, मैप्स बनाने की जो आर्ट है कला है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। मैप्स बनाने की कला को कार्टोग्राफी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग, मैंने इंसानों के अध्ययन, ह्यूमन बींग का जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन क्या होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। उसके आगे आते हैं द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड, मतलब फंजाई का जो स्टडी उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। सिनोलॉजी स्टडी ऑफ, सिनोलॉजी जो है किसके अध्ययन को बोलते हैं, चाइना के अध्ययन को बोलते हैं सिनोलॉजी। उसके आगे आते हैं द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स है ना, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स है ना, मतलब कि साइंस मतलब थिंग्स का जो वर्गीकरण के पीछे जो विज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स और टॉक्सोनॉमी है ना। साइंस को मतलब थिंग्स को वर्गीकृत करने के पीछे जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स और टॉक्सोनॉमी है ना। उसके आगे आते हैं सेकेंड में आपका पीपल्स विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन आर गिवन इन स्पेसिफिक नेम्स है ना। तो फर्स्ट है समवन हु स्टडीड द स्टार्स एंड हेवनली बॉडीज इज एन, जो क्या करता है कुछ समवन कोई है जो कोई एक जो स्टडी करता है स्टार्स और हेवनली बॉडीज का उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर। जो जो क्या करते हैं स्टार्स और हेवनली स्टार यानी कि तारे और जो खगोलीय पिंड है उनको जो स्टडी करते हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। और डॉटर डेवलप्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना, कौन जो ये डॉटर जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, उसका नाम क्या होगा, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या करता है, जो भी आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसको डेवलप करता है प्रोग्रामर है ना। समवन हु स्टडीज फिजिक्स इज कॉल्ड, मतलब जो क्या करता है फिजिक्स पढ़ता है ना, उसको अध्ययन फिजिक्स का अध्ययन करता है क्या बोलते हैं, फिजिसिस्ट बोलते हैं। फिजिक्स का अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं, फिजिसिस्ट। एंड एंटोमोलॉजिस्ट स्टडी, एक एंटोमोलॉजिस्ट जो है वो क्या किसके अध्ययन किस किस का अध्ययन करते हैं, इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं है ना। उसके बाद अ पर्सन हु स्टडी डॉनट इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी है ना, एक पर्सन जो है जो मतलब डॉनट का अध्ययन, तो क्या होगा आपका बर्ड्स, जो बर्ड्स का अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं ठीक है। और डॉनट स्पेसिफाइज द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ये जो है डॉनट जो है वो बच्चों का ट्रीटमेंट के लिए है ना स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनका नाम क्या है, पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं। जो बच्चों का जो ट्रीटमेंट उसके लिए होते हैं उनका नाम क्या है, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। उसके बाद आता है डॉडोरट स्टडीज फ्लैक्स, डॉडोरट क्या करते हैं, फ्लैक्स की स्टडी करते हैं, उनका नाम क्या है आपका, उसका नाम है वैक्सिलोजिस्ट, क्या नाम होता है, वैक्सिलोजिस्ट। उसके आते हैं लिंग्विस्टिक इज सम लिंग्विस्टिक्स जो है जो क्या करते हैं लैंग्वेजेस है, जो भी हम भाव का अध्ययन करते हैं क्या बोलते हैं, उसको लैंग्वेजेस बोलते हैं। लिंग्विस्टिक्स समवन स्टडीज जो है जो भाषा जो डॉलर का अध्ययन करते हैं वो क्या बोलते हैं, सॉरी लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं कौन, लिंग्विस्टिक्स जो है वो भाषाओं का अध्ययन करते हैं ठीक है। इसके आगे आते हैं डॉडोरट इज समवन हु कैन राइट इन ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, डॉडोरट जो है वो क्या करते हैं बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में कोई चीज लिख पाते हैं, उनका नाम है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर जो है किसी चीज को बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिख पाते हैं है ना। उसके बाद है तो आज इसमें इतना ही रहते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।